हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अंजन कुमार। आप देख रहे मेरा चैनल सीएनसी कैड कैम अंजन कुमार। आज हम पावर मिल 2020 में देखेंगे एक टूल पथ जो कि वायर फ्रॉम प्रोफाइल फिनिशिंग। इसमें हम देखेंगे कैसे ये टूल पथ जनरेट करते हैं, शुरू से एंड तक देखेंगे हम आज इस वीडियो में। चलो पहले देखते हैं। सबसे पहले ये जो हम प्रोग्राम कर दिया, ये जो आउटपुट है ये हमारा, ये कैसे करना है हम शुरू से देखेंगे। इसको पहले क्लोज करके और एक बार मॉडल ओपन करेंगे। ओके, सबसे पहले क्लोज करके देखेंगे और एक बार मॉडल ओपन करके इसको क्लोज कर देंगे। नो, ओके, और एक बार हम फाइल में जाएंगे। यहाँ से इम्पोर्ट मॉडल, मॉडल में जाके हम लोकेशन देखेंगे कहाँ पे है हमारा मॉडल। हमारा मॉडल है ये वाला है, ओपन। मॉडल हमारा ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद हम मॉडल हमारा ओपन हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा मॉडल है, इसमें हम टूल पथ क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ये जो डिफॉल्ट वर्क प्लेन है हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ से व्यू में जाकर ट्रांसफॉर्म में इसको डिसलेक्ट करें तो वो नहीं दिखेगा। आ गया, सबसे पहले हम ब्लॉक में जाकर कैलकुलेट ब्लॉक क्रिएट करेंगे। ब्लॉक क्रिएट हो गया हमारा। और नेक्स्ट वर्क प्लेन, इसमें वर्क प्लेन में जाके क्रिएट वर्क प्लेन, इसमें आरो में क्लिक करें तो यहाँ पे वर्क प्लेन पोजिशन ऑन ब्लॉक, इसमें क्लिक करेंगे और हम सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये हमारा वर्क प्लेन आ गया। वर्क प्लेन को एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के लिए यहाँ पे वर्क प्लेन में जाएंगे। यहाँ से ये प्लस आइकन में क्लिक करेंगे और यहाँ से वर्क प्लेन आएगा वन, इसमें राइट क्लिक करके एक्टिव। अभी ब्लॉक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इसमें और एक बार ब्लॉक में जाके कैलकुलेट। ओके, अभी ब्लॉक हो गया, वर्क प्लेन हो गया। एक टूल क्रिएट करेंगे। टूल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट टूल में जाएंगे, आरो में क्लिक करेंगे। आरो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे, यहाँ से एक एंड मिल ले लेंगे। एंड मिल, फ्लैट एंड मिल, यहाँ से हमें कौन से भी ले सकते हैं। 12 डायर 12 ले लेंगे। यहाँ से डायर 12 लेने के बाद यहाँ से कटर का नाम दे देंगे, 12 फ्लैट। ओके, 12 फ्लैट, यहाँ पर 12 नंबर, 1 रूट हमारा 4। ओके, यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ कटर हमारे को आ गया। यहाँ से यहाँ पे कटर आया, टूल्स में क्लिक करें तो यहाँ पे एक प्लस आइकन दिख रहे, उसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे को कटर शो होता है, टूल फ्लैट, 12 फ्लैट। ओके, कटर आ गया। अभी टूल पथ में जाएंगे। टूल पथ में फिनिशिंग में नीचे आने के बाद यहाँ से यहाँ पे है वायर फ्रॉम प्रोफाइल मशीन। ओके, इसको सिलेक्ट करके ओके। पहले हमारे को एक पैटर्न भी क्रिएट करना पड़ता। ओके, प्रॉब्लम नहीं, अभी पैटर्न क्रिएट कर सकते, थोड़ा साइड में लगा देंगे। इससे पहले पैटर्न क्रिएट करे तो अच्छा है। पैटर्न में जाकर राइट क्लिक, क्रिएट पैटर्न। यहाँ पे यहाँ पैटर्न आ गया लेकिन ये एम्प्टी है, उसका अंदर कुछ नहीं है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके कर्व एडिट में जाके हम एक ले लेंगे कर्व, कंपोजिट कर्व। कंपोजिट कर्व लेने के बाद यहाँ पे हम कॉर्नर में ऐसा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो आ रहा है उसके ऊपर ऐसा क्लिक करते जाएंगे ऐसा। ओके, ये वाला हमारा ये हो गया, ये राउंड मार्क आ गया तो हो गया हमारा कंप्लीट है। यहाँ पे सेव। ओके, ये हमारा पैटर्न आ गया। ओके, अभी हम टूल पथ में जाएंगे, इसको नाम पहले दे देंगे, टूल प्लॉट फिनिशिंग। टूल
फुल फ्लड फिनिशिंग हम दे दिया और पैटर्न हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया वन, वन है पैटर्न, वन है ये वन इधर आ गया, नहीं आए तो हम दूसरे दूसरे पैटर्न है तो हम यहाँ से ऐसे आरो में क्लिक करके ज़्यादा पैटर्न है तो उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते। और कर्व साइड इसमें लेफ्ट राइट हम कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम उसको देख के करना पड़ता। और लोअर लिमिट कर्व ओके, इसमें उसको कुछ ज़रूरत नहीं, बाद में देखेंगे इसको। और इसमें लिमिट में हमको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक थोड़ा हम अभी आउटसाइड कट करना क्या है, आउटसाइड कट करें तो थोड़ा ब्लॉक को बढ़ाना पड़ता साइड में, ये बराबर है लेकिन टूल उसमें नहीं जाएगा, ब्लॉक नहीं है। इसमें हम पहले सबसे पहले जेड को लॉक कर देंगे, यहाँ से हम एक 15 एमएम बढ़ा देंगे 100 में, ब्लॉक में कैलकुलेट करेंगे 15 एमएम बढ़ गया ओके। नेक्स्ट हम वायर फ्रेम मशीनिंग करूँ ओके, यहाँ से ये स्टॉक कुछ भी नहीं चाहिए हमारा। मल्टी कट यहाँ पे मॉडल में मोड में है ये आप है, इसमें स्टेप डाउन स्टेप अप कुछ भी रख सकते हैं, स्टेप डाउन रखेंगे हम, यहाँ से अपसाइड हम कितना एक 20 एम एम, ये हमारा एज ए प्रॉपर्टी में चेक कर सकते हैं कितना है इसका डेप्थ, यहाँ 45 है टोटल। और इसमें इसका डेप्थ कितना है प्रॉपर्टी में 25, ये तो 20 है टोटल, हम थ्रू करेंगे यहाँ पे 20 दे देंगे, माइनस 20 देंगे क्योंकि माइनस में जाएगा एक और रूप से माइनस में जाएगा, माइनस दे दो। यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट 1 एम एम है और ओके, एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे कैसा हमारा टूल पथ आ रहा है, हमारा ऐसा टूल पथ आ गया। और एक इसमें जो है हमारा उसको टच होके जाता, हमारा को टच नहीं थोड़ा बाहर से डाउन करने का हम डाउन करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे टूल पथ कनेक्शन में जाएंगे। टूल पथ कनेक्शन में लीड इन लीड आउट है, लीड इन लीड इन में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आर्क और एंगल जो है हम 90 डिग्री लगा देंगे यहाँ पे 90 डिग्री और आर्क रेडियस 5 ओके। सेम इसके भी लीड इन लीड आउट में भी हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लीड आउट देखें तो सेम यहाँ पे आ गया, यहाँ से अप्लाई कर सकते ओके। अभी अप्लाई हमारा ऐसा आ गया टूल पथ ओके बाहर से। अभी हम एक बार इसको सिमुलेशन करके देखेंगे, सिमुलेशन करने के लिए यहाँ से राइट क्लिक सिमुलेशन फ्रॉम स्टार्ट ओके, थोड़ा इसमें स्पीड स्लो कम ज़्यादा करने के लिए इसमें आप प्ले, हमारा टूल आ गया ऐसे ऐसे डाउन होके यहाँ पे भी हम बार बार ऊपर उठ रहे उसको भी चेंज कर सकते, कहाँ पे भी हम पैटर्न बना के वहाँ पे ऑपरेशन कर सकते। उसको चेंज करने के लिए हम इसमें होम टैब में जाके यहाँ से टूल पथ कनेक्शन में जाएंगे, यहाँ से लिंकिंग पैरामीटर में लिंक्स में हम सेव के जगह में स्टेप डाउन रखेंगे, स्टेप डाउन यहाँ पे स्कीम नीचे सेव ओके अप्लाई। और इसमें स्टार्ट एंड एंड पॉइंट में हम यहाँ से फर्स्ट पॉइंट सेव रखेंगे ओके अप्लाई अप्लाई एक्सेप्ट। और इसमें नीचे के भी स्क्रीम का जगह में उसको भी स्टेप डाउन रखेंगे ओके, इसको स्क्रीम नहीं ये भी स्टेप डाउन रख देंगे अप्लाई एक्सेप्ट। अभी हम देखेंगे एक बार सिमुलेशन करके, राइट क्लिक सिमुलेशन फ्रॉम स्टार्ट प्ले कैसे हमारा टूल पथ टूल कैसे मूव हो रहा है देखेंगे।
अब योर ऊपर नजर। ओके फ्रेंड, ये वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए और लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के टाइम में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी वीडियो डाले तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।